टू अनदर व्लॉग गाइस, इस टाइम हूँ मैं यूएसए में। आज मैं आपको लेके चल रहा हूँ एक स्पेनिश सुपरमार्केट में। यहाँ पर सब स्पेनिश में ही बात करते हैं, तो आज मैं आपको लेके चलूंगा, देखते हैं यहाँ पर इंडियन ग्रोसरीज मिलती है नहीं। हाँ, हम इंडियन हैं तो स्पेनिश सुपरमार्केट में भी इंडियन ग्रोसरीज ही ढूंढेंगे, और बाकी कंपेयर करते हैं कि प्राइजेस क्या है यहाँ पर नॉर्मल इंडियन मार्ट से और कंपेयर टू यहाँ के नॉर्मल वॉलमार्ट से। तो देखते हैं एक्सपीरियंस कैसे रहता है। आप भी देखिए और बताना कैसी लगी हमारी स्पेनिश ग्रोसरी स्टोर की वीडियो। तो स्टे ट्यून। इस स्पेनिश सुपरमार्केट का नाम है बोडेगॉन, एल बोडेगॉन बेसिकली। तो आपको दिखाता हूँ हम पहुँच गए हूँ कैसा है। सबसे पहले हमारे पीछे एक दूध है, यहाँ पर हमने फैट फ्री मिल्क लिया है, ये 3.49 के करीब है। 3.49 में आपको मिलेगा ये तकरीबन 4 लीटर 4 लीटर। आपको इंडियन प्राइसेस जो इनका है वो आपके स्क्रीन पे आ रहे होंगे। तो हमारे पीछे अनियंस है, अनियंस का रेट है यहाँ पर $1 के एक पाउंड, यानी तकरीबन हाफ के जी आता है $1 के अंदर। के जी का आप लगा लो तो $2 हो गया। तो ये लाइम है, लेमन, दिस इज ये आपको $1 के 4 मिलेंगे, मतलब 25 सेंट्स का एक हो गया। साथ में टमाटर है, टमाटर का प्राइस है 80 सेंट्स का आपको पड़ेगा हाफ के जी, तो $1.60 तकरीबन $1.50 का, 150 रुपये के करीब आप समझ लीजिए एक केजी मिलेगा। तो ये आलू है, दिस इज पोटैटो। तो पोटैटो आपको मिल जाएगा, ये पड़ेगा आपको तकरीबन $3 का, $3 के अंदर आपको मिल जाएगा 2.25 किलो, 2.25 केजीज, बेसिकली 5 पाउंड होते हैं, पाउंड पे हिसाब होता है। तो ये था अभी तक मेरी वेजिटेबल्स, और आपको अब थोड़ा फ्रूट्स का भी दिखा देता हूँ। फ्रूट्स के अंदर मुझे मेजरली यहाँ पर बनाना दिख रहे हैं, बनाना आपको मिल जाएंगे हाफ के जी $1.5 में। तो एप्पल्स आपको मिलेंगे तकरीबन $4 में 1.5 केजी। तो बेसिकली जो भी आपने मेरे पीछे देखा, ये आपके हमारे इंडियन ग्रोसरी के अंदर से राजमा कहते हैं, और यहाँ पर इनको ये कुछ और कहते हैं, ये कहते हैं कुछ स्पेनिश में लिखा, मुझे समझ नहीं आ रहा। बेसिकली राजमा है ये, इसका प्राइस आपको पड़ेगा $11 का, ये आपको $11 के अंदर 2.5 केजी आ रहे हैं। वाइट चने का पैकेट ये है, ये आपको पड़ेगा $5 के अंदर 1.5 केजी, मतलब 1.5 किलो आपको $5 के अंदर पड़ जाएगा। तो एग्स की काफ़ी वैरायटी है यहाँ पर, आपको एग्स का रेट मिल जाएगा तकरीबन $1.5 में, 12 का पैक मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे मसाले मिल जाएंगे, जो कौन सा मसाला आपको चाहिए यहाँ पे काफ़ी सारे मसाले मिल जाते हैं। इंडियन मसाले होते हैं लेकिन ये ब्रांडिंग यहाँ की नहीं होती है, ये ब्रांडिंग बाहर की होती है, ये मेक्सिको की ब्रांडिंग होती है। तो ये बेसिकली मेयोनेज़ एंड केचप का सेक्शन है, एक मेयो एक एवरेज तौर पे आपको आ जाएगी, ये आपको पड़ेगी, ये बेसिकली 1000 ml है 1 लीटर के करीब, ये आपको पड़ेगी 3.29 के अंदर। और केचप जो एवरेज प्राइस है यहाँ पर एक वही 1000 ml का, वो आपको पड़ जाएगा अराउंड 2.39। सो रेट सही है यहाँ पर। तो मेरे पीछे ऑलिव ऑयल है, बेसिक ऑलिव ऑयल आपका आ जाता है हाफ लीटर आ जाता है $5 के अंदर, तो आप उसे अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितने का यहाँ पर ऑलिव ऑयल का प्राइस है। तो चाय कॉफ़ी का भी जुगाड़ यहाँ पे हो जाता है, क्योंकि ये काफ़ी स्पेनिश मार्केट है, काफ़ी सिमिलर टू इंडियन होती है, कि यहाँ पर जो ग्रोसरीज होती है सारे आपको अपनी दालें, आपको अपने स्पाइसेस,
और चाय कॉफ़ी भी मिल जाती है, ब्रांडिंग अलग होती है लेकिन आपको सब कुछ मिल जाता है। तो आप जैसे कॉफ़ी का प्राइस मैं आपको बात कर लूँ, एक नेस्कैफे की क्लासिक कॉफ़ी है जो ये आपको पड़ेगी $2 की 50 ग्राम के करीब है ये, राइट 100 ग्राम से सॉरी। तो अलग अलग रेट्स हैं, 50 ग्राम्स का भी रेट है, 100 का भी है, ये भी सेल में है, दैट्स वाई अभी चीप है। बाकी और भी काफ़ी चीज़ें हैं। तो ये बिस्किट का सेक्शन है मेरे पीछे, जैसे मैंने अभी आपको वीडियो में दिखाया काफ़ी सारे बिस्किट मिल जाते हैं। नॉर्मल बिस्किट्स की रेंज होती है आपकी 50 सेंट से स्टार्ट हो जाती है, 50 सेंट से लेके $3.5-$4 तक आपको कोई भी सस्ते सस्ता और महंगे से महंगा बिस्किट यहाँ पर मिल जाएगा। से ब्रांडिंग अगेन ब्रांडिंग अलग होगी, जौन सी वैरायटी आपको पसंद थी इंडिया में सेम वैरायटी सेम क्वालिटी बल्कि बेटर क्वालिटी मिल जाती है यहाँ पर। तो ये है नमकीन और चिप्स का सेक्शन, ये ऐसा सेक्शन है कि हर कोई हर एज का इंसान चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा हो सब पसंद करते हैं। तो यहाँ पर चिप्स की या नॉर्मल लेस की क्या प्राइस आ जाती है, जैसे बड़ा वाला पैकेट है लेस का ये आपको पड़ जाएगा $3.55 के अंदर आ जाता है। तो ऐसे ही रेट आता है इसके अंदर, चीटोस आपको मिल जाएंगे $3.5 $3 तो यहाँ पर यही रेट है। अगर आपको कुछ बेटर डील चाहिए तो आप डॉलर ट्री जा सकते हैं, डॉलर ट्री में इससे थोड़े बेटर रेट मिल जाते हैं चिप्स के। मैं आपके डॉलर ट्री की एक वीडियो बहुत जल्दी डाल दूंगा। तो हाँ जी, जो बिल्कुल अभी आपने मेरे पीछे देखा बिल्कुल ठीक देखा है, ये रस है जो हम अपने वहाँ पर रस कहते हैं जिन्हें चाय के साथ हम खाते हैं, टोस्ट हैं ये यहाँ पे टोस्ट कहते हैं। तो ये भी आपको मिल जाते हैं, टिपिकल इंडियन आइटम है ये लेकिन यहाँ पर मिल जाती है। और उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो मैंने देखी ब्रेड है, ब्रेड जो हमने वहाँ मिलती है ये आपको मिनिमम मिल जाएगी, ब्रेड का बड़ा पैक है ये $2 के अंदर रहेगा, $2.19 के अंदर आपको ब्रेड यहाँ पर मिल जाएगी। ब्रेड का रेट थोड़ा ज़्यादा है यहाँ पर, वॉलमार्ट से बेटर रेट मिल जाता है, 80 सेंट्स में भी ब्रेड मिल जाती है वॉलमार्ट से, लेकिन इनकी ब्रेड काफ़ी अच्छी है। तो यहाँ पे फ्रोजन सब्जियाँ भी मिल जाती है, जैसे कि हम स्टूडेंट्स हैं और हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है, बेसिकली हम यहाँ से लेके जा सकते हैं इस टाइप का कुछ। ये मिक्स वेजिटेबल होती है, ये आपको पड़ जाता है सिर्फ $3 के अंदर आप इसके अंदर फ्रेश पनीर वनीर डाला और मिक्स बेसिकली बना सकते हो। लिए हमने सामान अब हम करते हैं चेकआउट, आपको बताते हैं टोटल बिल कितना आया। हमने करा ली अपनी बिलिंग, हमारा बिल आया $42 का। आज का ग्रोसरी शॉपिंग हॉल होता है यहीं पे ख़त्म। हम चलते हैं बाहर, आपसे करता हूँ बाहर जाके बात। तो आ गए हम बाहर, आप चाह रहे हैं घर की तरफ। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सलाम। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल रेसिपी रेक्लूज को सब्सक्राइब करें।